प्रत्याशी और इस क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक श्री नागेंद्र महतो जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रणव वर्मा जी, प्रभारी बगोदर विधानसभा श्री जवाहर पासवान जी, संयोजक श्री चिंतामणि मंडल जी, जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा गिरडी से आशीष कुमार बॉर्डर जी, शत्रुघ्न प्रसाद मंडल जी, कुलदीप साहू जी, छोटेलाल यादव जी, अशोक सोनी जी और भारी संख्या में आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित बगोदर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, भगवान हरिहर नाथ की इस धरती पर मैं आप सबका अभिवादन करता हूं और भगवान हरिहर नाथ को कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश की धरती से आप सब से अपील करने के लिए आया हूं। उत्तर प्रदेश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती है। उत्तर प्रदेश लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण की भी धरती है और उत्तर प्रदेश देवादिदेव महादेव भगवान विश्वनाथ की भी धरती है। यह अद्भुत संयोग है कि राम कृष्ण और शंकर की धरती मां गंगा जिस धरती में प्रवेश करते ही संपूर्ण धराधाम को अत्यंत उपजाऊ बनाती है, वह है उत्तर प्रदेश की धरती। दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन कुंभ जिस धरती पर लगता है, प्रयागराज की धरती, वह उत्तर प्रदेश है और उस उत्तर प्रदेश की धरती से आप सबसे अपील करने के लिए मैं इसलिए भी आपके बीच आया हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश की धरती ने भगवान राम को दिया तो शासन की सबसे अच्छी पद्धति दुनिया के अंदर राम राज्य कहलाई। राम राज्य का मतलब एक ऐसी शासन पद्धति जहां पर व्यक्ति का चेहरा देख करके नहीं, जाति मत मजहब क्षेत्र भाषा देख करके नहीं, बल्कि शासन की योजनाएं गांव गरीब किसान नौजवान महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके तक बिना भेदभाव पहुंच सके। और यही तो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और यही कार्य मोदी जी की प्रेरणा से झारखंड के अंदर श्री रघुवर दास जी ने किया। और इसलिए भाइयों बहनों, जैसे मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने हैं ऐसे ही रघुवर दास जी को भी फिर से मुख्यमंत्री बनाना है तो बगोदर की धरती से श्री नागेंद्र महतो को भारी मतों से विजयी बनाना है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा सरकारें बहुत आई, स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के बाद में आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये सभी लोग एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, कोई अलग अलग नहीं है। ये सीपीआई एमएलए जितने भी हैं इनकी निष्ठा देश के प्रति नहीं है, इनकी निष्ठा गरीबों के प्रति नहीं है, इनकी निष्ठा इस देश के नौजवानों के प्रति भी नहीं है, इनकी निष्ठा स्वयं के लिए है, ये स्वार्थ के लिए जीते हैं और इनके द्वारा कभी भी जब भी इन्हें सत्ता मिली
इन्होंने सत्ता का उपयोग गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए कभी नहीं किया। इस सत्ता का दुरुपयोग अपने परिवार के लिए किया। इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग निहित स्वार्थों के लिए किया। उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग आतंकवाद और नक्सलवाद को भड़काने के लिए किया। भाइयों बहनों, जब कोई नक्सली घटना घटित होती है, कोई निर्दोष व्यक्ति मारा जाता है, इस समाज के पुण्य क्षति होती है। लेकिन कांग्रेस की, आरजेडी की, सीपीआईएमएल की, झारखंड मुक्ति मोर्चा की, इनकी नीतियां इस प्रकार की विध्वंसात्मक गतिविधियों को बढ़ाने की रही है। इनकी नीतियां इस प्रकार की उग्रवादी और विध्वंसात्मक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए प्रेरित करने वाली रही है। और यही कारण रहा है कि इनके आजादी के बाद सर्वाधिक समय तक कांग्रेस को, आरजेडी को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को, इन सबको देश के अंदर शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन इन्होंने कभी भी अपनी योजना का लाभ गरीबों को नहीं दिया, गरीबों के लिए नहीं बनाया। आखिर क्या कारण है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने, तब हर गरीब के सिर को ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना आती है, तब हर गरीब के लिए एक एक शौचालय की व्यवस्था हो पाती है, तब हर गरीब के लिए सौभाग्य योजना में विद्युत का कनेक्शन देने की बात आती है, तब हर गरीब के लिए रसोई गैस का कनेक्शन देने की बात आती है, तब गरीबों को भी अन्न देने के लिए खाद्यान्न योजना सामने आती है, गरीबों के लिए भी स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा के लिए आयुष्मान भारत आती है। इस सभी योजनाएं मोदी जी ने दी हैं और उन्हें आप तक पहुंचाने का कार्य किया श्री रघुवर दास जी ने। आखिर यह कार्य पिछली सरकारें भी कर सकती थी, लेकिन गरीब उनके एजेंडे में कभी नहीं था, कभी उनके एजेंडे में नहीं था, इसलिए उन्होंने कभी यह कार्य नहीं किया। आज तो गरीबों के हित के लिए भी कार्य हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, कहीं हाईवे बन रहा है, कहीं मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, कहीं एयरपोर्ट बन रहा है, कहीं पर कोई अन्य बड़ा कार्य हो रहा है। और इन सब कार्यों के माध्यम से प्रत्येक गरीब के जीवन में खुशहाली लाने के उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रथम 5 वर्ष के अपने कार्यकाल को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। मैं अभिनंदन करता हूं आपका। विगत लोकसभा चुनाव में आपने प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास किया और श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी को यहां से लोकसभा के लिए चुनाव जिता करके भेजा है। आपने अन्नपूर्णा देवी को चुनाव जिता करके भेजा। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा मोदी जी ने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की धमाके के साथ किया। पहले इस देश के अंदर आतंकवाद का प्रतीक कश्मीर की धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। आज अगर बगोदर क्षेत्र के लोग भी कश्मीर में जाकर के जमीन खरीदना चाहेंगे, बेझिझक आप जाइए और कश्मीर के अंदर, लद्दाख के अंदर, जम्मू के अंदर मां वैष्णो देवी के धाम में और बाबा अमरनाथ के धाम में भी अपनी जमीन और अपना मकान खरीदने का कार्य आप कर सकते हैं। अधिकार किसी ने आपको दिया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। जो लोग कहते थे कि कश्मीर में धारा 370 हटाएंगे, खून की नदियां बहेंगी, अरे एक मच्छर भी नहीं मरा, लेकिन धारा 370 समाप्त हो गई। इस श्रेय किसको? मोदी जी को और अमित शाह जी को। कितना बड़ा कार्य किया। और भाइयों बहनों, इस कार्य को करने के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि किसी को दी है प्रधानमंत्री मोदी जी ने? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1952 में जब भारत के संविधान में धारा
1970 को जबरन डालने का कार्य किया गया था तब अपना विरोध व्यक्त किया था और उन्होंने तब भी कह दिया था ये धारा 370 आतंकवाद की जड़ बनेगी, कश्मीर के विकास को बाधित कर देगी और वही हुआ। लेकिन आज धारा 370 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक झटके में समाप्त कर दिया। भाइयों बहनों, दूसरा कार्य आपने देखा होगा, दूसरे कार्यकाल की शुरुआत होती है 500 वर्षों के अयोध्या में राम जन्मभूमि के विवाद को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। कांग्रेस नहीं चाहती थी, सीपीआईएमएल नहीं चाहता था, आरजेडी नहीं चाहता था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि से संबंधित विवाद का शांत हो। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और बहुत शीघ्र अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। मैं झारखंड वासियों को भी आमंत्रित करूंगा उसमें। हर परिवार से एक एक शिला और 11-11 रुपया अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए जाना ही चाहिए, क्योंकि राम का काज तो समाज के सहयोग से ही चलता है। ये राम राज्य की अवधारणा को आगे बढ़ाने का कार्य आज लोक कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से, विकास कार्यों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है और यही आह्वान करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, याद करिए, भारत के अंदर प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा का अधिकार है, समानता का अधिकार है। समान रूप से हमने जाति मत मजहब के आधार पर कोई भेदभाव किसी को नहीं किया। भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार देता है। लेकिन क्या यह अधिकार पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में मिले हैं क्या? और जब एनआरसी बिल को, और यही नहीं, नागरिकता संशोधन विधेयक को संसद में पास कराने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी करते हैं, तो भाइयों बहनों, ये सब कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआईएमएल, ये सभी लोग विरोध करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, वहां पर जो अल्पसंख्यक समुदाय था, हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, इन सबको मार मार करके भगाया गया, इनकी संपत्तियों को कब्जा किया गया, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। वे दर दर की ठोकरें खा रही थी, वे शरणार्थी के रूप में भारत में आए और भारत ने कल उन्हें अपने देश के अंदर, भारत की संसद ने उन्हें नागरिकता देने का कार्य किया है। आजाद भारत का ऐतिहासिक और स्वर्णिम दिन है। प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन होना चाहिए ना, आप सहमत हैं? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के हित में कार्य किया, मानवता के हित में कार्य किया। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी, सीपीआईएमएल इसका विरोध कर रही है, यानी गरीबों को, प्रताड़ित लोगों को देश के अंदर शरण देना जो भारत की नीति रही है उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो घुसपैठिए के रूप में आपके हकों पर डकैती डालने का कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के समर्थन में कांग्रेस और सीपीआईएमएल खड़ी है। ये कांग्रेस और सीपीआईएमएल की भाषा दुर्भाग्य से वही भाषा है जो पाकिस्तान की भाषा है। क्या हमें पाकिस्तान की भाषा स्वीकार करनी है क्या? क्या इस देश के अंदर पाकिस्तान समर्थकों को हमें स्वीकार करना है क्या? तो फिर क्या कांग्रेस, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और सीपीआईएमएल को वोट मिलना चाहिए क्या? भाइयों बहनों, एक चौपाई आती है, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम जद्दपि परम स्नेही। यानी
जो राम के प्रति जिसके मन में सम्मान का भाव नहीं, वह कितना भी आपका प्रिय क्यों न हो, लेकिन उसके साथ कोई मैत्री नहीं होनी चाहिए। और भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कहूंगा, हम सबका दायित्व बनता है जो भारत का हितेशी नहीं, देश के अंदर गांव गरीब किसान नौजवान का हितेशी नहीं, जो देश के हितों को आगे नहीं बढ़ा सकता, जिसको देश की सुरक्षा की चिंता नहीं, जो देश के हितों पर कुठाराघात करने वाले तत्वों के समर्थन में बोली बोलने का कार्य करता हो, ऐसे दलों को, चाहे वह कांग्रेस हो, सीपीआईएमएल हो, आरजेडी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, क्या इस प्रकार के लोगों को आपके बीच में वोट पाने का अधिकार होना चाहिए क्या? और यही अपील करने के लिए आया हूं, ये चौपाई यहीं पर लागू होती है, इनको वोट देने की बात तो दूर, इनको दूर से भी इनके नाम नहीं सुनने चाहिए। और यही अपील हम लोग करने के लिए आए हैं कि भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी इस देश को सुरक्षा भी दे रही है, समृद्धि भी दे रही है, और जब केंद्र और प्रदेश में समान विचारधारा की सरकार होती है तो भाइयों बहनों, विकास कई गुना ज्यादा बढ़ता है, कई गुना ज्यादा बढ़ता है। मैं आंकड़े गिनाऊं बहुत समय लगेगा, लेकिन आप सबसे अपील करूंगा, मोदी जी के आह्वान पर विश्वास करिए, और मोदी जी ने इस देश के लिए जिस प्रकार की योजनाएं बनाई हैं, वह भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने वाली योजना है। और भारत अगर ताकतवर होगा, भारत की 130 करोड़ की आबादी ताकतवर होगी, और उसी ताकत के लिए आपसे अपील करने के लिए कि झारखंड में इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी आवश्यक है, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने श्री नागेंद्र महतो को इस बगोदर विधानसभा क्षेत्र में अपना प्रत्याशी बनाया है। आप श्री नागेंद्र महतो के समर्थन में वोट देंगे, मोदी जी के आह्वान पर वोट देंगे? मोदी जी का कार्य आप सबको पसंद आया है ना? कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके अच्छा काम किया है ना? अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करवा करके अच्छा काम किया है ना? समर्थक हैं? जो लोग भारत के अंदर शरणार्थी थे, उन्हें नागरिकता देकर के अच्छा काम किया है ना? घुसपैठियों को भगाएंगे ना? सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।